तो युवा कार्यकर्ताओं में जोश भरने का काम कर रहे थे जेपी नड्डा, और जब जबलपुर पहुंचे तो आज बहुत जोरदार स्वागत यहां पर जेपी नड्डा का किया गया, क्योंकि राष्ट्रीय अध्यक्ष पहुंचे थे और ऐसे में कार्यकर्ता भी काफी ज्यादा उत्साहित दिखाई दिए। तस्वीरें आप देख सकते हैं, आज जबरदस्त उत्साह था कार्यकर्ताओं में। इस दौरान कार्यकर्ताओं में उत्साह देखने को मिला। जेपी नड्डा ने बीजेपी के अनुसूचित जाति के कार्य घर पहुंचकर भोजन भी किया। इस दौरान उनके साथी सीएम शिवराज सिंह चौहान, केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया समेत कई गणमान्य लोग मौजूद रहे और बूथ स्तर पर जाकर कार्यकर्ताओं से सीधे बात भी की। वहीं राज्यसभा चुनाव की गहमा गहमी जारी है। हर पार्टी अपने विधायकों को सुरक्षित रखना चाहती है ताकि किसी तरह की क्रॉस वोटिंग ना हो, और इसीलिए हरियाणा कांग्रेस के जो विधायक हैं वो फिलहाल छत्तीसगढ़ आ गए हैं, और मामले में छत्तीसगढ़ के राज्यसभा चुनाव पर सियासत दिखाई दे रही है इस वक्त, और हरियाणा कांग्रेस विधायक छत्तीसगढ़ आएंगे। खतरे की बात नहीं, सुरक्षा जरूरी है, बात रविंद्र चौबे की तरफ से कही गई है। मामले में छत्तीसगढ़ के कृषि मंत्री का कहना है कि खतरे की कोई बात नहीं है लेकिन सुरक्षा जरूरी है। वहीं नगरीय प्रशासन मंत्री शिव डहरिया का कहना है कि बीजेपी हमेशा से जोड़ तोड़ की राजनीति करती है। हरियाणा के विधायक अगर रायपुर आते हैं तो उनका स्वागत है, बीजेपी के मंसूबे पूरे नहीं होने दिए जाएंगे। वहीं एयरपोर्ट पर इसको लेकर सुरक्षा बढ़ा दी गई है। करीब 37 विधायक और एक राज्यसभा सांसद के दिल्ली से रायपुर आने की भी खबर सामने आ रही है। हरियाणा के कांग्रेस विधायकों को छत्तीसगढ़ लाया जा रहा है, दिल्ली से रायपुर लाने की खबर है। हमारे साथ नगरीय प्रशासन मंत्री शिव डहरिया जी हैं। ये कैसी खबरें आ रही हैं, किस तरीके की खबरें? देखिए, भारतीय जनता पार्टी हमेशा खरीद फरोख्त पे, तोड़फोड़ पे विश्वास करती है, और वो राज्यसभा में क्रॉस वोटिंग कराने का भी काम करती है। तो हम लोग सतर्कता हम लोगों को रखनी चाहिए, और इस दिशा में अगर हमारे छत्तीसगढ़ में हमारे विधायक आते हैं तो उन सबका स्वागत है। कितने विधायक आ रहे हैं और क्या व्यवस्था? आने के बाद ही पता चलेगा राणा, वो खत्म हो जाए ही नहीं तो। छत्तीसगढ़ लाए जा रहे हैं विधायक, वो आने के बाद पता चलेगा कितने विधायक आ रहे हैं। फिलहाल ये कंफर्म हो गया है कि छत्तीसगढ़ विधायक हरियाणा के कांग्रेस के लाए जा रहे हैं। बिरजल प्रमोद दिवंगन साथ अंकुश शर्मा, न्यूज स्टेट मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। देखिए, देश में कहीं कोई खतरा है नहीं, लेकिन जिस तरीके से लोकतंत्र की हत्या करने में भाजपा आमदा है, बहुमत हमें मिलता है, सरकार अमित शाह जी बना लेते हैं, कई राज्यों का उदाहरण है, तो ऐसी की कहीं चूक ना हो जाए, इसलिए अगर राज्यसभा चुनाव के पहले अगर सावधानी में ये किया जा रहा है तो मैं समझता हूँ कि ये कहीं पे भी उचित नहीं है। वहीं बिलासपुर में भारतीय जनता पार्टी की तरफ से एक कार्यक्रम आयोजित किया गया जिसमें पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह ने शिरकत की। इस दौरान उन्होंने मोदी सरकार के 8 साल के जो भी काम रहे उनका यहां पर जमकर बखान किया। राज्य सरकार के 3 साल पूरा होने पर भी उन्होंने निशाना साधा। रमन सिंह ने कहा कि मोदी जी के नेतृत्व में 8 साल पूरे होने को सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण नाम दिया गया है। इन 8 सालों में हर वर्ग का विकास हुआ है। गरीब का कल्याण हो, युवकों को अवसर हो, महिलाओं का उत्थान हो।